नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ नूरपुर थाना में जमकर नारेबाजी हुई। भाजपा की प्रत्याशी राकेश पठानिया ने कहा कि पिछले 14 दिन से शांतिपूर्ण अभियान चलाया हुआ था, वैसे गुंडागर्दी पिछले 10 बड़े दिनों से चली हुई है। रोज हमारी पार्टी के झंडे फाड़ना, पोस्टर फाड़ देना और बैनर फाड़ देना, परंतु आज अति हो गई। जब कमलाना पंचायत में हम बैठक खत्म कर ही रहे थे तो दो तीन महिलाओं ने आकर मुझ पर हमला बोल दिया। जब हम कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं पूछ रहे हैं तो भाजपा के प्रत्याशी को भी पूछने का कोई हक नहीं है। आज उन्होंने साफ संदेश गुंडागर्दी का दिया है। एसपी व डीएसपी को उसी समय हमने उस सारी घटना की सूचना दे दी और अब एसएचओ नूरपुर को लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवा दी है। जिस प्रकार इन्होंने हमला किया है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। पता चला है कि जो महिला थी वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन की भाभी थी। वहीं ब्लॉक समिति के अध्यक्ष संदेश डडवाल ने कहा कि मैं रात को कहीं बाहर से आ रहा था, जब मैं जसूर की ओर से निकला तो कुछ लड़के जिन्होंने नशा कर रखा था ने मेरी गाड़ी को रोका और मुझ पर हमला कर दिया। डीएसपी से इसके बारे में शिकायत की, पुलिस आई, कुछ लड़के भाग गए और एक दो लड़के पकड़े। जो लड़के पकड़े गए वह माफ़ी मांग रहे थे कि हमने नशा कर रखा था, हमें माफ़ कर दे, हमने आपको पहचाना नहीं था। मुझे मारने के लिए इनका पहले का प्लान था। आज भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया ने ही कमलाना में बैठक की थी। कमलाना में जब गांव की महिलाएं बैठक में आई और राकेश पठानिया को कहा कि हमें भी कुछ बोलने का मौका दो, तभी उन्होंने महिलाओं को धक्के दे दिए और कहा कि इन सब की फ़ोटो खींचो और 9 नवंबर के बाद इनको 6 महीने अंदर रखूंगा। गुंडागर्दी का हुआ था। मैं रात को, मेरे चाचा के बेटा है उसके साथ की डेथ हो गई थी अमनदीप हॉस्पिटल, और रात को 12:30 बजे से वापस चला वहाँ से, और अच्छे रास्ते में जिसमें क्रॉस किया मैंने, तो रास्ते में मेरे आगे कुछ गुंडे लड़के जो काफिल के थे, गुंडा टाइप दारू पी रखी थी पूरे उन्होंने, और मेरी गाड़ी रोकी उन्होंने और मेरे पर हमला कर दिया पूरा। और भाई ने बोले इस कांटे को निकाल दो, अकेश थानिया के कांटे, इसको निकाल दो आज ही, ख़त्म कर दो इसको। उन्होंने मेरा इतना बड़ी मुश्किल से मैंने फोन निकाला, गाड़ी से फोन की, अंबर भाई जी को वहाँ बुलाया अपने साथियों को, उसके दौरान वो भाग गए। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, फिर डीएसपी साहब को, पुलिस वहाँ पर गई, उनको घर से बहुत कुछ बंदे गायब हो गए लेकिन एक दो मिले, वो आए, फिर मेरे से माफ़ी मांगने लगे कि हमने दारू पी रखी थी, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने सोचा कि कोई और है। तो कोई और का क्या मतलब, कोई और होता उसको मार देना है, बाकी कोई मेरी जगह कोई और इंसान होता उसको मार देना है। ये तो प्री प्लान था एक इन लोगों का मुझे मारने के लिए, इन्होंने किया था, देख के गए थे मेरी गाड़ी को, अभी अकेला आ रहा है, मैं अकेला था गाड़ी में, उन्होंने पूरा हमला किया है, सोची समझी एक साजिश थी। उस दौरान उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी, दो लड़कों ने, दो नहीं आए, मैं उनको बोला कि दो लड़कों को बुलाओ, बाकी को चारों को हम तब बात करेंगे। तो पुलिस वाले बोलेंगे सुबह बुलाएंगे और सुबह बात करेंगे आपको, दो लड़कों को, वो आए नहीं। मैं घर पे पहुंचा, सुबह उठा 5 बजे तो पहुँचा सुबह, ये मामला ख़त्म होते रहते, तो सभी मतलब पूरा गाँव मेरे घर में आ गया, जैसे जैसे उनको पता चला कि ये कैसी हरकत होगी, कैसे हो गया। उसके आज ही इसी दौरान मीटिंग रखी गई थी हमारे पूर्व विधायक श्री के फानिया की, वहाँ पर तुम नाला में जनसभा रखी थी, तो ये सभी अजमीन इकट्ठा हो गया कि हमारे आप हमारे घर में और हम पर अटैक हुआ है, तो ये गलत बात, हम जाएंगे। मैंने उनको मना किया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, गुंडों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये, इसका हम कानूनी तौर पर जवाब देंगे। लेकिन कुछ भावना थी लोगों की, लेडीज़ वगैरह कुछ चली गई वहाँ पर, जैसे उन्होंने बोला फानी जी हमें भी बोलने का मौका दो थोड़ा, तो उन्होंने इनको धक्के दे दिए लेडीज़ वाले को भी। थानिया के साथ ही गुंडे थे वो, थानिया ने भी धक्का दिया खुद, मेरी जो परजाई थी गई थी उसको धक्का दिया हुआ थानिया ने खुद, और बोला कि 9 तारीख के बाद, जो 9 तारीख है ये जितने भी इनकी फ़ोटो खींचो इनको 6-6 महीने में अंदर रखूँगा, इनको मुझे आने दो 6-6 महीने के अंदर। ये कैसा गुंडा राज है, रात को मुझे रोकते हैं वहाँ पर, मेरे से गुंडागर्दी करते हैं, सुबह हमारी पंचायत में जाते हैं, हमारी लेडीज से बदतमीज करते हैं, उन लोगों को धमकी देते हैं जो दहाड़ीदार है, और बोला इसने चमार इकट्ठे कर रखे हैं, चमार इंसान नहीं है, ये भी उनको बोला गया, इनको इसने चमार इकट्ठे कर रखे हैं, क्या चमार इंसान नहीं है, मेरी आवाज़ है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो, मैं उसके लिए, मेरी दिल से आवाज़ है, मैं उसके लिए काम खड़ा होता हूँ, हम कोई जातिवाद का इसमें नहीं रखता, इनके दिमाग में है जातिवाद का, और इन्होंने उन लोगों का भी अपमान किया है, ऐसी कम्युनिटी का जिनको बोला कि चमार इकट्ठे किए हुए हैं, ये उनकी भावना थी, मैंने कोई इकट्ठा नहीं किया हुआ। राकेश पठानिया ने वहां पर उपस्थित लोगों को जाति सूचक शब्द कहे,
उन्होंने जहां सरेआम गुंडागर्दी की है और एससी कम्युनिटी का भी अपमान किया है। इस प्रकार का चुनाव पहली बार देखा गया है। गुंडागर्दी और गंदी गंदी गालियां देना महिलाओं को नूरपुर के विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन ने कहा कि नूरपुर के इतिहास में ये काला दिन है कि जब एक पूर्व विधायक ने गुंडों के ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। जब आज कमलाना की जनसभा में महिलाओं ने बताना चाहा कि ये गलत बात है तो उन्होंने उन महिलाओं के साथ अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला किया। जब आज कमलाह की जनसभा में महिलाओं ने बताना चाहा कि तो उन्होंने उन महिलाओं के साथ धक्का मुक्की व गालियां निकाली। नूरपुर के इतिहास में एक काला दिन है। एक एक्स एमएलए के गुंडों ने हमारे कल चेयरमैन के ऊपर घातक हमला किया रात को 1:30 बजे, जो इलेक्टेड चेयरमैन है नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के। और आज सुबह एक जब वो लेडीज़ ने उनके जब आप कमलाना पंचायत में गए और कुछ लेडीज़ ने उनको बताना चाहा कि ये गलत बात है, उनके साथ जो सलूक किया, उनके धक्के मार दिए, गालियां निकाल दी, मारपीट की, ये गुंडागर्दी का नंगा नाच है। और एससी महल्ले में जाके आप एससी कह रहे हो कि चमार साथ लेके आ रहे हो, क्या चमार लोग नहीं होते क्या? वो भी क्या इंसान नहीं है? इसमें क्या इतना मतलब, मुझे तो एक मेरे पिताजी ने भी यहाँ पे 7 बार एमएलए रह चुके हैं, मैं भी एमएलए हूँ इस वक्त, यहाँ पे एमपी रह चुके हैं, पर ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा। ये डेमोक्रेसी है, वोट डालनी है डालो, नहीं डालनी ना डालो, किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पर ये गुंडागर्दी का क्या मतलब? जिन लेडीज़ को आप गालियाँ निकाल रहे हो, किस पीछे से पकड़ लिया, धक्का दे दिया, ये नूरपुर के इतिहास में बहुत अनफॉर्चुनेट एक चैप्टर है, जो मैं कहता हूँ कि मुझे तो शब्द नहीं है इसको कंडेम करने के लिए। और हम सब हमारे जो साथी असुरक्षित हैं, सबको धमकियां दे दी हैं, ये तो बिहार बना दिया, ये तो यूपी बना दिया, ये नूरपुर, ये हिमाचल एक शांतिप्रिय स्टेट है, और मैं नहीं सोचता कि ऐसी घटना यहाँ होनी चाहिए। नूरपुर के थाना प्रभारी संदीप ने कहा कि एक पक्ष की शिकायत आई है कि जब कमलाह पंचायत में बैठ कर रहे थे तो कुछ महिलाओं ने इन पर धक्का दिया और कैमरामैन को मारा और गाली गलौज किया, और इसी के तहत कैमरामैन का मेडिकल करवाया जा रहा है। दूसरा पक्ष भी पास आया और कहा कि पिछले कल भी इनके लड़कों ने उनके साथ मारपीट की और आज भी। जब इस मारपीट के संदर्भ में पूर्व विधायक से पूछने जा रहे थे तो वहां पर उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज हुआ। दोनों शिकायतों की जाँच की जाएगी। मामला हमारे संज्ञान में है और किसी भी तरह कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। एक पक्ष की शिकायत आई है कि वे जब ये अपने कमलाला पंचायत में मीटिंग्स कर रहे थे तो कुछ लेडीज़ ने इनके साथ इनको धक्का दिया और एक कैमरामैन को मारा कुछ लड़कों ने और गाली गलौज किया। ये एक पक्ष ने हमारे प्रथम पक्ष में हमारे पास दी हुई एप्लीकेशन, उसमें मेडिकल करवा रहे हैं कैमरामैन का। और दूसरा पक्ष अभी मेरे पास आया था, पर बोली उन्होंने अपनी शिकायत बताई कि पिछले कल भी इनके साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की है और आज भी जब ये उस मारपीट के संबंध में पूर्व विधायक से प्रश्न पूछने जा रहे थे तो वहाँ पे इनके साथ बदतमीजी हुई और गाली गलौज हाथापाई हुई। अभी दोनों एप्लीकेशनों को तस्दीक की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, मामला हमारे संज्ञान में है और किसी भी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं आने दी जाएगी। मामला आपके सामने है, पिछले 14 दिनों से बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मेरा अभियान चला हुआ था। वैसे ये गुंडागर्दी तो पिछले 10-12 दिन से चली हुई है, हमारे रोज झंडे फाड़ देना, हमारे रोज बैनर फाड़ देना, रोज हमारे पोस्टर को फाड़ देना, पर आज तो अति होगी। जब कमलाला में मैं बैठक खत्म कर ही रहा था कि 2-3 महिलाओं ने आगे मुझ पर हमला बोला, और जिस तरीके से हमला बोला मैं अपने आप को पीछे करना पड़ा, नहीं तो मेरा गिर जाना था धक्के से। और वो जो पुलिस प्रोटेक्शन जो मुझे एक PSO दे रखा, उसने बेचारे लड़के ने आगे इसको माहौल को संभाला, और जो हमारे साथ काका प्रधान और सारी टीम हमारी मटोली की थी और हमारी कमलाला की थी, उस टीम ने आगे बीच में आगे एक दीवार बन के जो है उनको रोका। और जिस वायलेंट तरीके से वो आए थे मेरे पर अटैक करने के लिए, तो वो तो ऐसे थे कि ये आया क्यों है कमलाला में, कि क्या लेने आए हो, क्या क्यों आए हो कमलाला में। तो डेमोक्रेसी में मेरा हक है मैं अपनी बात करूं, आपका हक है आप अपनी बात करें। अपनी कसूर होती है, जब कांग्रेस के प्रत्याशी को हम नहीं पूछ रहे तो भाजपा के प्रत्याशी को पूछने का आपका कोई हक नहीं बनता। और जिस तरीके से फिर उन्होंने वहाँ पर नाराबाजी करने का प्रयास किया, जिस तरीके से वो करने का प्रयास किया, तो वो एक बड़ा क्लियर एक मैसेज आज जो गुंडागर्दी का उन्होंने हमारे ऊपर प्रयास किया। हमने SP साहब को उसी वक्त इंटीमेट कर दिया,
हमने डीएसपी साहब को उसी वक्त इंटीमेट कर दिया और हमने एसएचओ को भी अब आगे यहाँ पे लिखा दिया है, सारा बता दिया। अब पता चला मैं देखने को आया कि वो 5-10 महिलाएं दूसरे ग्रुप की भी यहाँ पे आ रही हैं। अब ये इस स्तर पर आ जाएंगे मुझे कभी विश्वास नहीं था।